So welcome students again. Let's start topic of today. आज का जो हमारा topic है volcanic eruption पे है. How to volcanism and how many types of volcanism. तो इस सब के बारे में आज हम discuss करने वाले हैं students. तो ध्यान से class को देखिए. अगर आपको पिछली class नहीं देखी, geomorphology भी हमने already एक दो class कर ली है, ठीक है, plate tectonic theory और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो वो क्लासेस आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आप इस क्लास को देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास उससे काफ़ी इंटरलिंक है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. देख लेते हैं पहले क्या है वॉल्केनिज्म, क्या है इस टॉपिक में. ये देखेंगे मैग्मा वर्सेस लावा क्या होता है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस इन वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड के किस किस एरिया में ज़्यादा वॉल्केनो एरप्ट होते हैं, इस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम अच्छे से डिस्कस करते हैं कि वॉल्केनिक एरप्शन होता कैसे और वॉल्केनिक एरप्शन होता क्या है, ठीक है. अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ तो दिस इज वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है. ये वॉल्केनिक एरप्शन है, यानी कुछ ऐसी जगह हमारी क्रस्ट के किसी भी पार्ट से या हमारी लिथोस्फीयर के किसी की पार्ट पे, यानी कि आउटर साइड अर्थ पे अगर लावा आता है और आके वो सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं लावा एरप्शन या वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है. वॉल्केनो सिंपल मीन जब लावा अर्थ के अंदर से अर्थ के ऊपर आए और आके ये जम जाए, इसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्केनिक एक्टिविटी या वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये वॉल्केनोस आते कैसे हैं, इनके पीछे क्या कारण है आने का, ठीक है. तो देखिए बेटा, जो हमारी अर्थ है, मैंने ऑलरेडी बताया था हमारी अर्थ को कितनी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कितनी लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर. जहाँ हम स्टेट के आधार पर पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे से समझ आएगा, यानी कि अर्थ क्लासीफाइड इंटू अर्थ क्लासीफाइड मैकेनिकली. तो क्या था, सबसे पहले उसमें लिथोस्फीयर आता है, ठीक है, लिथोस्फीयर, उसके बाद एस्थेनोस्फीयर, उसके बाद लास्ट में आता था मीसोस्फीयर, ठीक है. तो बेटा हमने ना, हमें दो चीज़ों से, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर से ज़्यादा काम है और मीसोस्फीयर भी इसमें यूज होगी. मैंने आपको बताया था कि लिथोस्फीयर कौन सी है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. उसके बाद एस्थेनोस्फीयर कौन सी है, ऐसी लेयर जहाँ पे मैग्मा पड़ा हुआ है, ठीक है. ये लेयर दिख रही है आपको, जहाँ पे किसमें लिक्विड अवस्था में मैग्मा मिले उसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर. और जो मीसोस्फीयर है वो कौन सी है, हमारी कोर, जो कोर है वो क्या है, वो है मीसोस्फीयर. अब कोर में देखा जाए तो बेटा सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है, लगभग 6 to 7000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे है, कोर में या मीसोस्फीयर में, और सबसे लोएस्ट कहाँ पे है, हमारे लिथोस्फीयर में. और यहाँ पे मॉडरेट कहाँ पे है, यानी कि जो हमारी मीसोस्फीयर है उससे कम टेम्परेचर कहाँ पे है मैग्मा का, वो है एस्थेनोस्फीयर में, यानी यहाँ पे लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यहाँ पे 7000 और यहाँ पे 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अब जहाँ 7000 है, 7000 के कंपेयर में 3000 कम होगा, ठीक है, ऐसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन 7000 के कंपेयर में बहुत कम है, इसके आधे से भी कम है. तो जब ये मैग्मा क्या होता है बेटा, जब ये मैग्मा जहां से, यहाँ एक तरह से मान लो सबसे वार्मेस्ट मैग्मा मिलेगा आपको, या यहाँ पे एक हीट, सबसे हीट वाला, यानी कि सबसे हीटेस्ट हॉटेस्ट जोन कहाँ पे है, मीसोस्फीयर में. अब मीसोस्फीयर क्या करेगी, ये सॉलिड अवस्था में है, ये तो लिक्विड अवस्था में है नहीं, तो सॉलिड अवस्था में यानी कि ये सबसे ज्यादा हीट इसको प्रोड्यूस करेगा जो लिक्विड है. अब ये लिक्विड क्या करेगा, उबलेगा यहाँ पे, अब इस साइड भी उबलेगा, जहां भी उबल सकता है, ठीक है, हर साइड उबलेगा अर्थ के अंदर, हर साइड ये क्या करेगा, उबलेगा. और जब कोई भी चीज लिक्विड उबलता है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बर्नर रख के हीट प्रोवाइड करता हूँ किसको, एक मेरे पास वाटर है एक कंटेनर में या एक किसी बर्तन में, तो उसको जब मैं हीट प्रोवाइड करूंगा तो ये क्या करेगा, ये पानी उबलेगा, उबल के जा तो ये अगर ढक्कन होगा ऊपर, तो
इसको क्या करेगा, इसको नीचे गिराएगा, ज्यादा हीट दोगे तो ये पानी गिरेगा ऊपर से, अगर कम होगी तो क्या करेगा ये उबल के वापस नीचे आएगा, जो ठंडा पानी है वो वापस नीचे आएगा और नीचे वाला गर्म पानी होके हल्का होगा ऊपर जाएगा, ठंडा पानी डेंस होगा भारी होगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले के, तो ये नीचे आएगा गर्म पानी की जगह लेने के लिए ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा साइकिल बनेगा जिसको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशियल साइकिल, ठीक है। ये कन्वेंशियल साइकिल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है पिछली क्लास में, तो कन्वेंशियल साइकिल बनेंगे। अब इस साइकिल से क्या होगा, अगर यहां से बेटा क्या होगी हमारी क्रस्ट जो है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, जहां से ये क्रस्ट वीक होगी उसको तोड़ के क्या करेगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्रस्ट है पूरी, अब इस क्रस्ट में क्या है, यहां से भी यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी कन्वेंशियल साइकिल बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां पे इतनी ज्यादा वीक नहीं है, यहां पे ठीक है, मतलब वीक नहीं है, यहां पे क्या है, वीक जोन है। अब वीक बताऊंगा मैं कहां कहां पे होती है, जहां पे वीक जोन है तो यहां से क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा और यहां पे लावा आ जाएगा ऊपर। तो जब लावा ऊपर आके एक कोन की शेप में सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जब किसी भी शेप में चेंज सॉलिड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी या वोल्केनो एरप्शन, ठीक है। अब जो हमारी क्रस्ट है या लिथोस्फीयर है वो कौन सी जगह से ज्यादा हार्ड होती है और कौन सी ज्यादा से वीक होती है, जहां से हार्ड होगी बेटा वहां पे कभी भी वोल्केनिक एरप्शन नहीं होंगे, जहां पे वीक होगी वहां से ही वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, वहां से वोल्केनोज आएंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये पूरी अर्थ ले लेता हूँ, ठीक है, अर्थ में मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारी लिथोस्फीयर है, अर्थ नहीं ये लिथोस्फीयर लेता हूँ। अब लिथोस्फीयर मैंने आपको पढ़ाया था कि जहाँ हमारी लिथोस्फीयर क्या है, फ्रैक्चर्ड है, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अच्छे से पढ़ा है कि हमारी जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, वो पूरी फ्रैक्चर है, यानी कि डिफरेंट प्लेट्स में बटी हुई है। अब ये डिफरेंट प्लेट्स क्या करती है बेटा, कोई मूवमेंट कर रही है कन्वर्जेंस, ठीक है, कोई डाइवर्जेंट मूवमेंट कर रही है, कोई कन्वर्जेंट मूवमेंट कर रही है, कोई एक दूसरे के आसपास आ रही है, कोई दूर दूर जा रही है, कोई साइड से ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जहां पे इनका जोड़ होगा ना, इन प्लेट्स का, चाहे तो ये एक दूसरे के दूर दूर जा रही है तो यहाँ पे जोड़ होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, वीक जोन बनेगा। या तो ये आसपास आ रही है, तो तीन जगह देखो यहाँ पे अच्छे से मैं समझा देता हूँ, एक प्लेट ऐसी होगी जो एक दूसरे के आसपास आ रही है और एक नीचे चली जाएगी, डांस कर जाएगी, एक ऊपर। तो जहां पे बेटा ये जो प्लेट यहाँ पे है, इसके इधर जहां पे सबडक्शन जोन बनेगा, मैंने आपको पढ़ाया था, सबडक्शन जोन के इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या बनेगा, वीक जोन बनेगा। एक तो यहां से वोल्केनिक एरप्शन होंगे, दूसरा अगर कोई एक प्लेट है बेटा ये सेंटर से टूट जाती है और ये प्लेट ऐसे इस फॉर्म में कुछ आ जाती है, कुछ ऐसे करके आधी इधर आधी इधर आधी इधर चल गई आधी इधर, सेंटर में क्या पड़ गया, थोड़ा सा खड्डा टाइप पड़ गया ऐसे। अब यहाँ जो जोन होगा ये भी क्या होगा, वीक जोन होगा, यहाँ से भी वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी। एक ऐसे प्लेट ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है, ठीक है, तो इस प्लेट में ये वाला जो रीजन होगा बेटा, यहाँ पे भी वोल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती है। यानी कि जो भी प्लेट, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, चाहे कन्वर्जेंट हो रहा है, चाहे डाइवर्जेंट हो रहा है, चाहे ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है, जहां पे दो प्लेट का जोड़ होगा, जहां पे जॉइंट होगा, जॉइंट ऑफ टू प्लेट इज कॉल्ड वीक जोन, और उसी वीक जोन से वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी। हम ये नहीं बोल सकते कि जहां से लिथोस्फीयर या एस्थेनोस्फीयर पतली है वहां से वीक जोन होगा, नहीं। हालांकि ओशियन में सबसे पतली है जो हमारी क्रस्ट है, वो सबसे पतली कहाँ पे, ओशियन में, और कॉन्टिनेंटल में क्या है, मोटी है। बट ओशियन में ये नहीं कि हर जगह वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ओशियन में भी जहां दो प्लेट्स का जॉइंट है वहीं पे ही वोल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, हर जगह पे नहीं होंगी। तो ये याद रखना है आपने। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, कन्वेंशन साइकिल आता है जो कि वीक जोन से ऊपर मैग्मा निकलता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वोल्केनिक एरप्शन। अब वोल्केनोस जब आते हैं बेटा, तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आते हैं, एक तो हमें पता है मैग्मा होता है, लेकिन मैग्मा के साथ साथ और क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस है, लावा वर्सेस मैग्मा। तो देखिए बेटा, जो मैग्मा और लावा एक ही चीज है दोनों, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो आयरन एंड डिफरेंट मेटल कंटेंट इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड मैग्मा। जब तो आपको मैं बता दूं, तो ये वाला क्या है, ये मैग्मा है या लावा है। अब इसको लावा कब कहते हैं और मैग्मा कब कहते हैं, इसका डिफरेंस देखिए। जब बेटा यही लावा अर्थ के अंदर होता है, एस्थेनोस्फीयर में और मीसोस्फीयर में,
इसको इसी लावा को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम मैग्मा, मैग्मा ठीक है। जब यही आउटर साइड अर्थ के आ जाता है ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, तो इसको हम बोलते हैं बेटा लावा। क्या बोलते हैं? लावा, यानी कि वोल्केनो आने के बाद इसी मैग्मा का नाम चेंज होके क्या हो जाता है? लावा, ठीक है। तो लावा और मैग्मा के बीच में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, जब वोल्केनो होता है, वोल्केनो एरेप्ट होता है, यानी कि वोल्केनो आता है, ज्वालामुखी आता है, तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें लेके आता है? देखिए, जब भी बेटा ज्वालामुखी आता है तो एक तो मोल्टन रॉक लेके आता है। मोल्टन रॉक इसी मैग्मा को ही बोलते हैं, ठीक है। पिघली हुई मोल्टन रॉक होती है, तो ये आती है। कुछ गैसेस आती हैं, इसमें से एक मुख्य गैस है बेटा सल्फर, ठीक है। एस सल्फर आता है, सल्फर और बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऐसी बहुत सारी मिक्स मिक्स होती है गैसेस। उसके साथ साथ में ऐश आती है, ठीक है। ऐश क्या होती है? रॉक, यानी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी कार्बन डाइऑक्साइड की, जहाँ हम बहुत सारी चीजें होंगी अर्थ के नीचे जो बिल्कुल क्या हो जाती हैं, भस्म हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी शेप फॉर्म में आएंगी? वो आएंगी रॉक की फॉर्म में। उसके बाद स्टीम आता है। स्टीम क्या होता है? जो वाटर वेपर्स होते हैं। जब वोल्केनो आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्रस्ट है, तो यहाँ से मैग्मा ऊपर आया, वीक जोन था तोड़ के, तो क्रस्ट के बीच में इसको अंडरग्राउंड वाटर भी तो मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर ये ओशियन में आ रहे हैं तो वहां पे वाटर मिलेगा, तो उस वाटर से वो वाटर किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स में, ठीक है। उसी वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं? स्टीम। तो ये गैस की शेप में ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे बादल बनते हैं ना, वैसे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। सच वेंट्स एंड ओपनिंग अकर्स इन दोज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेयर द रॉक स्ट्राटा आर लेटली वीक। ये कहाँ पे आते हैं? जहां पे रॉक स्ट्राटा वीक होता है। अब देखिए कितने टाइप से एरेप्ट होता है वॉल्केनो बेटा। लगभग 5-6 टाइप से वॉल्केनो एरेप्ट होता है, यानी कि हमने अलग अलग तरह से इसका एरेप्शन होने का क्या तरीका है। यहाँ टाइप ऑफ वॉल्केनोज नहीं है, ये एरेप्ट होने का, यानी कि ज्वालामुखी जब आता है तो लावा ऊपर कितने तरीके से आता है। कहीं पे क्या होगा? बिल्कुल पतली सी नली से ऊपर आएगा, कहीं चौड़ी से आएगा, कहीं पे एकदम धमाके से आएगा बहुत तेज, कहीं पे आस्ता आस्ता आएगा। तो वह उस तरह से इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। एक तो बेटा होता है हवाइयन एरेप्शन, ठीक है। हवाइयन एरेप्शन आप देख सकते हो, बिल्कुल पतली सी नली से आ रहा है और जहां ऊपर आके ये कुछ इस टाइप से बना रहा है, ठीक है, सर्कल टाइप बना रहा है। उसके बाद होता है स्ट्रोम्बोलियन एरेप्शन। स्ट्रोम्बोलियन एरेप्शन में क्या हो रहा है? बहुत तेज आ रहा है, ऊपर आके फैल रहा है ये बहुत ज्यादा, ठीक है, और धमाके भी हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत कौन की शेप एक बना रहा है। उसके बाद है वोल्केनियन एरेप्शन। वोल्केनियन एरेप्शन कैसा है? यहाँ पे आ रहा है पतली नली से और यहाँ पे आके बहुत ज्यादा ब्लास्ट होके एक खड्डा सा बना रहा है, चौड़ा हो रहा है। यहाँ पे चौड़ा नहीं हो रहा, जैसा था वैसा ही है, और यहाँ ऊपर बहुत ज्यादा गैसेज फैला रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए बेटा तो प्लीनियन एरेप्शन। प्लीनियन एरेप्शन में क्या है? बहुत पतली नली से आ रहा है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज है। ये कितना ऊंचा जा रहा है? यहाँ पे देखो सबसे ऊंचाई तक आ रहा है इसकी गैसेस, और इसमें जो वाटर वेपर्स थे, यानी कि इसके इसमें गैसेस और वाटर वेपर्स बहुत से होते हैं जो प्लेनियन एरप्शन होता है। उसके बाद है पिलियन, पिलियन एरप्शन। ये प्लेनियन है और ये पिलियन एरप्शन। पिलियन एरप्शन मतलब आ रहा है लावा, आ रहा है और एक साइड पे लावा बह के नीचे जा रहा है, ठीक है, दूसरी साइड अभी नहीं बह रहा, सारा लावा इधर बह के जा रहा है और इसकी गैसेज वगैरह सारी एक साइड है, ये सीधा ऊपर भी, ये वाला सारे सीधे ऊपर है, ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे लावा आता है बेटा किसमें? हवाइयन में, बट इतनी ज्यादा गैसेस वगैरह इससे नहीं रिलीज होती, कम होती, ठीक है, लावा ही ज्यादा आता है, और उतना ज्यादा लावा भी नहीं, यहाँ पे लगभग नीचे ही रहता है, बहुत ऊपर लावा नहीं जाता, ठीक है। अब देखते हैं जब वोल्केनिक एरेप्शन होता है तो वोल्केनो को डिफरेंट किन किन टाइप पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए जब बेटा सबसे हमारे ये नीचे क्या है? अस्थेनोस्फीयर है, ठीक है, ये वाला अस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, और अस्थेनोस्फीयर में क्या है? पूरा मैग्मा है, और ये मैग्मा क्या हो रहा है? कन्वेंशनल साइकिल की वजह से यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से इसको वीक जोन मिला, ये लिथोस्फीयर को तोड़ के यहाँ से ब्रेक डाउन करके क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। यहाँ से भी इसको थोड़ा सा वीक जोन मिला, बट इतना ज्यादा नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया फूमारोल, ठीक है। फूमारोल मतलब ये बहुत ज्यादा वोल्केनो की शेप नहीं ली इसने, थोड़ा सा बस यहाँ से थोड़ा थोड़ा इस नदी से बाहर आ रहा है, और अपने साथ क्या ला रहा है? गैसेज वगैरह को ये ऊपर भेज रहा है, बाकी लावा इतना ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल छोटे से होल से आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फूमारोल। अब देखिए बेटा,
जो जहां से ये वाला रीजन जहां से ना ये आ रहा है, जहां से ये ऊपर आ रहा है इस रीजन से, इसको बोलते हैं वोल्केनिक पाइप। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक पाइप। उसके बाद इस वोल्केनिक पाइप के बाद अगर हम देखें तो जो इसके ऊपर आके सबसे वोल्केनिक पाइप से ऊपर लास्ट में एक बनती है चिमनी, ठीक है, मैन चिमनी इसको बोलते हैं। और उससे ऊपर क्या बनता है? खड्डा सा बन जाता है कभी कभी। ये क्या होता है? ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आके जमता है ऊपर, जैसे ही आएगा ये विस्का सलावा जो होगा तो वो आके क्या करेगा, जम जाएगा ऊपर, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके आयरन जैसे जम जाता है। तो ये अब क्या करेगा, नीचे सलावा आ रहा है तो इसको क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा ऊपर वाले को तोड़ के, फिर ये बाहर जाएगा। तो यहाँ पे बॉम्बार्ड होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं क्या, वोल्केनिक बम्प्स, ठीक है। और इस खड्डे को क्या बोलते हैं, क्रेटर, जो एक खड्डा बन जाता है गोल सा जहां से वो टूट के मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है, उस खड्डे को बोलते हैं क्रेटर। और अगर इस खड्डे में पानी भर जाए वर्षा की, रेनफॉल की वजह से या किसी और सोर्स की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं क्रेटर लेक। क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक, ठीक है। तो इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ था, इंडिया में कौन सी क्रेटर लेक है? तो लोनार लेक इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया, ओनली वन लेक, ओके। उसके बाद कोन ऑफ वोल्केनो क्या होता है? सिंपली ये जब एक कोन की शेप ले लेता है तो इसको हम बोलते हैं कोन ऑफ वोल्केनो। ऐश, देखो मैंने आपको बताया था जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो साथ में ऐश भी आती है। तो ये देख रहे हो, ये जो व्हाइट कलर की आपको लाइनें दिख रही हैं, ये क्या है, ये ऐश की परत जमी हुई है, ठीक है, ऐश की लेयर है। उसके बाद सॉलिडिफाइड लावा लेयर, ये वाली जो क्या है, थोड़ी डार्क रेड कलर की है, ये लावा सॉलिडिफाइड लावा है, यानी कि अब सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद लावा फ्लो, सबसे ऊपर वाली लेयर में क्या करेगा, नीचे वाला जम जाएगा लावा, और जो बाहर ऊपर नया आता जाएगा ताज़ा, वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। और फ्लो जब करता है तो ये कुछ क्या होता है, ज़्यादा मतलब लाइट रेड होता है, ये इतना ज़्यादा डार्क रेड नहीं होगा। डार्क रेड कब हो जाता है? जब ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये और इस साइड दोनों क्या कर रहा है, लावा फ्लो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें वोल्केनिक ऐश क्लाउड, कुछ ऐश तो जहाँ पे लेयर में जम जाती है लावा के साथ में ही, और कुछ क्या करती है, ऊपर चली जाती है गैस, यानी कि जो फाइन पार्टिकल होते हैं तो वो क्या करते हैं, उड़ के ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और कुछ गैसेस ऊपर चली जाती हैं, जैसे सल्फोरिक एसिड, सल्फर हो गया, या उसके साथ साथ क्या हो गया, कार्बन हो गई, तो ऐसी ये गैसेस जाके ऊपर, कुछ वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं। तो ये सारा ऊपर क्या है, वाटर वेपर्स हैं, उसके साथ साथ क्या है बेटा, उसके साथ साथ गैसेस हैं कुछ, और प्लस क्या है, ऐश है, ठीक है, प्लस ऐश। इनएक्टिव वोल्केनो क्या होता है? इनएक्टिव वोल्केनो होता है बेटा जहां पे एक्टिव वोल्केनो है, अभी वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है, उसके साथ में अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे, अगर हो सकता है पहले यहाँ पे वोल्केनो एक्टिव हो, या यहाँ पे अभी एक्टिव है तो बाद में इस लावे की रास्ता चेंज होकर यहाँ से ये लावा बाहर निकलने लग जाए और ये वाला क्या हो जाए, शांत हो जाए। तो ये पुराना, यानी कि पहले यहाँ पे वोल्केनो था, अभी यहाँ पे वोल्केनो नहीं, लावा नहीं अरेप्ट हो रहा, पहले यहाँ पे लावा अरेप्ट हुआ है अभी नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं कौन सा, इनएक्टिव वोल्केनो, यानी कि अभी एक्टिव नहीं है, जहाँ हम इसको डोरमेंट भी बोलते। और उसके बाद होता है सेकेंडरी कोन। सेकेंडरी कोन क्या होता है? ये एक प्राइमरी कोन होता है जो सबसे बड़ा, कभी कभी इसी कोन से ना इधर साइड से कभी कभी लावा निकल जाता है बाहर और एक छोटा सा कोन बन जाता है, बड़े कोन में एक छोटे छोटे कोन बन जाते हैं साइड में, तो उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैग्मा वर्सेस लावा हमारा हो गया है। टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्केनोस, पहले जो हमने पढ़ा था वो था वोल्केनो एरप्ट कितनी तरह से होता है, लावा कितने तरीके से आता है, मतलब कुछ बहुत तेजी से आता है, कुछ आस्ता आस्ता आता है, और कुछ क्या होता है, काफी ब्लास्टेबल होता है। अब हम देखेंगे कितने टाइप के वोल्केनोस आते हैं, यानी कि हमने वोल्केनो को कितने डिफरेंट टाइप में डिवाइड करके रखा है। देखिए ऐसे तो पांच छह टाइप है, बट हमारे जो काम की है वो फोर या फाइव टाइप की है, तो जो मेनली है वो फोर टाइप के वोल्केनोस हैं। एक है फिजर वोल्केनो, ठीक है, फिजर वोल्केनो सबसे पहला, उसके दूसरा है शील्ड वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो एंड कॉल्डेरा वोल्केनो। देखिए बेटा उससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ये जो वोल्केनो, जो लावा आता है वोल्केनिक एक्टिविटीज के टाइम पे, ये लावा कितने टाइप का होता है बेटा? लावा जो मैंने बोला था, जब क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा मैग्मा तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। अब ये लावा या मैग्मा भी अपने आप में दो टाइप का है बेटा। लावा कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक होता है बेसिक लावा और एक होता है बेटा
एसिडिक लावा, एसिडिक लावा, ठीक है। बेसिक लावा क्या होता है? बेसिक लावा होता है जो बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लूइडिड होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा, यानी कि बहुत पतला होगा, फीजर टाइप, पानी की तरह होगा खाली, सेम एज लाइक वाटर इज कॉल्ड बेसिक लावा और फ्लूइडिड, ठीक है। उसके बाद होता है एसिडिक लावा। एसिडिक लावा क्या होता है? जो विस्कस होता है, विस्कस मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, ये ज्यादा गाढ़ा होगा और ये ज्यादा जो बेसिक लावा है वो फ्लूइडिड होगा, ये याद रखें। अब ये जो पहली दो टाइप्स हैं वोल्केनो की, ये किसकी है? ये बनी हुई है बेटा बेसिक लावा से। किससे है? बेसिक लावा से। और ये वाली जो दो है ये किससे बने हैं? ये बने हैं एसिडिक लावा से। अब बेसिक लावा है तो क्या है? काफी ज्यादा फ्लूइडिड होंगे, काफी ज्यादा मतलब थिन होंगे, पानी की तरह इसमें लावा आएगा। और जो एसिडिक लावा है वो क्या होगा? काफी ज्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, गाढ़े लावे से बने होंगे। अब देखिए पहला जो फीजर वोल्केनो है, तो फीजर नाम से ही पता चल रहा है, फीजर का मतलब होता है बहुत ज्यादा फ्लूइडिड, ठीक है। ये क्या कर रहा है? बिल्कुल पतले से होल से बाहर आ रहा है और ये पानी की तरह फैल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां पे इसको डाउन एरिया दिख रहा है वहां पे ये फैल रहा है और पूरा एक प्लेन की तरह हो रहा है, यानी कि इससे क्या बनते हैं? इससे मोस्टली बनते हैं प्लेटोस। क्या बनते हैं? प्लेटोस। उसके बाद ये बहुत ज्यादा फ्लूइडिड कौन सा होता है? फिजर वोल्केनो। उसके बाद सेकंड होता है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो बेसिक लावा से ही बना होता है, फ्लूइडिड लावा से, बट ये थोड़ा सा विस्कस होता है, ये विस्कस नहीं है, बट फीजर लावा के, फीजर वोल्केनो के कंपेयर में ये विस्कस है। किसके कंपेयर में? फीजर के कंपेयर में ये थोड़ा सा विस्कस है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, और इस वजह से ये क्या करता है? ये थोड़ा सा माउंटेन बना देता है, ऐसे ऊपर सीधा गोलाई टाइप में ये बन जाता है ऐसे। और जो फीजर होता है वो क्या? प्लेन, बिल्कुल फ्लड फ्लड फ्लडिंग करता है, फ्लड की तरह फैल जाता है। और ये थोड़ा सा ऊपर क्या करेगा? थोड़ा सा विस्कस है तो थोड़ा सा माउंटेन बनाएगा और बाकी फैलता जाएगा, बहुत चौड़ा माउंटेन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कंपोजिट वोल्केनो, पहले इनके कुछ देख लेते हैं। देखिए इसके कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, अगर इसके करेक्टरिस्टिक में बात करूं बेटा, तो ये बहुत ज्यादा फीचर है, फ्लड बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है, ठीक है। ये कोई भी माउंटेन नहीं बनाएगा, इससे माउंटेन फॉर्मेशन नहीं होती। हम मोस्टली हमारे माइंड में ये होता है कि जो वोल्केनो आता है उससे माउंटेन बनते बनते कौन की शेप में होता है, ऐसा नहीं होता। जब भी कुछ वोल्केनोस ऐसे होते हैं, जैसे इंडिया में भी एक वोल्केनिक एक्टिविटी होती है हमारे हिमालयन रेंज में, तो वहां पे वो भी कैसा है? बिल्कुल फीजर वोल्केनो आता है और पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो जो फीजर होते हैं वो क्या करते हैं? पूरा फ्लड बनाते हैं, जब इससे प्लेटू बनते हैं, ठीक है, जब प्लान बनेंगे। और ये वाला ना तो धमाका करता है, ना इसमें बम बार होता है, जो मैंने बताया था आपको, एकदम आता है और जम जाता है और बम बार होते हैं, वो नहीं होते, ना यहाँ पर क्रेटर वगैरह, जब क्रेटर लेक कुछ भी नहीं बनती, ये याद रखना। शील्ड वोल और ना ही माउंटेन बनते हैं। शील्ड वोल्केनो में क्या होता है? काफी बड़ा लंबा चौड़ा सा माउंटेन बनेगा और इसकी ज्यादा हाइट नहीं होगी। अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है बेटा, किसके? वाटर के कांटेक्ट में, यानी जब ये कहीं पे एरप्ट हो रहा है और इसके आसपास जिस रीजन में ये एरप्ट हो रहा है वहां पे कोई ओशियन है या कोई लेक है या कुछ वाटर बॉडी है, तो ये अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो ये थोड़ा क्या होता है? विस्कस होता है एज कम्पेयर टू फीजर, तो ये जल्दी से जम जाएगा ऊपर वाला रीजन। और जब से जमेगा, अगर वाटर में के कांटेक्ट में आएगा तभी, वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऊपर वाला रीजन जमेगा, तो तब ये ब्लास्ट करेगा, तब ये क्या करेगा? यहाँ पे बम्बार्ड होगा, ब्लास्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज बिल्कुल शांति पूर्वक ये क्या करेगा? एरप्ट होगा। उसके बाद देखते हैं हम कंपोजिट वोल्केनो। ये दोनों एसिडिक लावा के हैं बेटा और दोनों क्या होंगे? विस्कस। अब दोनों विस्कस हैं, तो ये वाला कम विस्कस है, ये वाला लेस विस्कस है इसके कंपेयर में, और ये सबसे ज्यादा मोर विस्कस है। क्या है? सबसे ज्यादा विस्कस ये वाला है। अब इसमें वो लावा आएगा बहुत चौड़े रीजन से आएगा, इसकी जो वोल्केनिक पाइप होगी काफी चौड़ी होगी, क्योंकि लावा क्या है? विस्कस है, तो पतले, तो बिल्कुल पतले से होल से भी आराम से आ जाएगा बहुत तेजी से प्रेशर से, बट जो जितना लावा, जब कोई भी चीज गाढ़ी होती है उसको उतना एरिया ज्यादा चाहिए होता है आने के लिए, ठीक है। तो अब जब ये इरेप्ट होता है तो इससे क्या बनते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन बनते हैं, बहुत सबसे ऊंचा माउंटेन यही बनाता है बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? एक तो हाईएस्ट माउंटेन बनाते हैं ये, दूसरा नंबर यहाँ पे क्या होता है?
दूसरा नंबर यहाँ पे बमबार्ड होते हैं, ठीक है, बमबार्ड यहाँ पे होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा आके ये वाला हिस्सा बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये जम जाएगा, और नीचे वाला लावा इसको क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, बमबार्ड होंगे विदाउट, ये वाटर के कंटेक्ट में आएगा, ये तभी होगा जब वाटर के कंटेक्ट में आएगा, लेकिन ये बिना वाटर के कंटेक्ट आए या ना आए ये तब भी बम्बार्ड होगा, और ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन वोल्केनो के यही बनाते हैं। उसके बाद है सबसे हाईएस्ट विस्कस जो होता है सबसे ज्यादा, ये माउंटेन तो हाइट वाले बनाते हैं लेकिन बेटा इसके जो ऊपर वाला माउंटेन होता है आधा वो टूट जाता है, क्यों, ये सबसे ज्यादा विस्कस है, बहुत जल्दी ठंडा होगा, ऊपर आते ही जितना ज्यादा कोई चीज विस्कस होगी उतनी ज्यादा जल्दी ठंडी होगी, तो ठंडा होते ही ये नीचे से लावा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इसको प्रेशराइज करेगा और ये टूटेगा, टूट के अब बम्बार्ड होगा, ये वाला पार्ट यहाँ से टूट के कहीं और चले जाएंगे, जाके पड़ेंगे, तो जहाँ पे एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है, यहाँ पे उस खड्डे में क्या, उस खड्डे को क्या बोलते हैं बेटा, क्रेटर। तो सबसे बड़े जो क्रेटर हैं वो यही बनाता है क्रेटर, ठीक है। जो बिगेस्ट क्रेटर हैं वो कौन से वोल्केनो से बनते हैं, कालडेरा से, और थोड़े बहुत जो क्रेटर्स हैं वो कंपोजिट वोल्केनो भी बनाता है छोटे छोटे। अब यहाँ पे इस क्रेटर में अगर पानी भर जाए तो यहाँ पे क्रेटर लेक बन जाएगी, और ये सबसे ज्यादा विस्कस होता है, ये याद रखना। मोस्टली जो वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है बेटा वो होती है कंपोजिट वोल्केनो, वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े हवाइयन माउंटेन है जैसे फिलीपींस में, ठीक है, इंडोनेशिया में, वो सारे इसी टाइप के वोल्केनोस हैं मोस्टली। एक हमारा बचता है सिंडर वोल्केनो, 5 टाइप का सिंडर वोल्केनो होता है बेटा, जो सबसे ऐसे एक वोल्केनो आए बहुत छोटा सा, ठीक है, छोटे से छोटा सा, बस थोड़ा सा लावा आए और ये जम जाए एक कोन की शेप में, तो इसको हम बोलते हैं सिंडर वोल्केनो, ठीक है। फ्लड बसाल्टिक, देखिए बेटा ये वही है फिजर वोल्केनो ही है, ठीक है, फिजर वोल्केनो ही है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा इंडिया का जो दक्कन पेनिनसुला प्लेटू है, जो दक्कन प्लेटू है वो इसी से ऐसे ही बना हुआ है, हमारा ये वाला जो साउथ पार्ट इंडिया का है ये पूरा इसी लावा से बना हुआ है, फ्लडेड लावा से, ठीक है, और तभी इसको हम एक प्लेटू की शेप में है ये, तो बेस्ट एग्जाम्पल ये है इसकी। अब देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक तो हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ वोल्केनो कितनी तरह के वोल्केनो होते हैं, अब हम डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड करेंगे। एक तो हम बेटा वोल्केनो को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि कब आते हैं ये, कब नहीं आते, किस टाइम पे ये आते हैं, टाइम के आधार पे अगर देखें वोल्केनो की टाइप्स तो 3 टाइप है, तो वो भी एक होता है बेटा एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेंट वोल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो एक्टिव वोल्केनो होता है बेटा उसका मतलब होता है अभी प्रेजेंट में वो एक्टिव है, ठीक है, प्रेजेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्केनो लावा एरप्ट हो रहा है, लावा एरप्शन हो रहा है, लावा एरप्शन कंटिन्यू, ठीक है, जो लावा एरप्शन है वो कंटिन्यू है, अभी यहाँ पे लावा आ रहा है और हम देख सकते हैं ये लावा आते हुए, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो का मतलब होता है बेटा जब अभी लावा नहीं आ रहा, बिल्कुल ये शांत है, या इनएक्टिव वोल्केनो इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इन पास्ट यहाँ पे लावा आता था, फ्यूचर में भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, पास्ट में क्या था, यहाँ पे वोल्केनो एक्टिव था पास्ट में कभी, अभी ये बिल्कुल शांत है, यहाँ पे कोई लावा नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, एक नॉर्मल माउंटेन जैसा होगा, जो कुछ लैंड जैसा ही रीजन होगा, बट फ्यूचर में यहाँ पे आने की चांसेस हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि अभी शांत है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब होता है बेटा पास्ट में यहाँ पे वोल्केनो था बट ना तो प्रेजेंट में है, ना प्रेजेंट में एक्टिव है, ना ही पास्ट में फ्यूचर में इसका एक्टिव होने के चांसेस हैं, ठीक है, ना तो फ्यूचर में होगा ना ही ये प्रेजेंट में है, इसको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, यानी कि अभी ये खत्म हो गया, पहले था वोल्केनो अभी ये खत्म हो गया, यहाँ पे ना तो आने के चांसेस है ना अभी वोल्केनो एरप्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या है पास्ट में बेटा था, ठीक है, प्रेजेंट में नहीं है, और फ्यूचर में बेटा यहाँ पे आने के इसके चांसेस हैं, फ्यूचर में आने के चांसेस हैं, तो ऐसे वोल्केनो को क्या बोलते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, यानी अभी शांति से वो शांतिपूर्वक से, ठीक है। उसके बाद अगर हम वोल्केनो को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एरप्शन, कितने मोड से एरप्ट होते हैं, यानी कि कौन
कोई वोल्केनो पतला है, सीधा आ रहा है, कोई टेढ़ा आ रहा है, तो कितने मूड से आ रहे हैं। तो दो तरह से उसको डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल टाइप वोल्केनो होता है, एक होता है फिजर टाइप वोल्केनो। तो जो सेंट्रल टाइप वोल्केनो होता है सिंपल बेटा, उसका मतलब होता है सीधा ऊपर आएगा और ऐसे कोन की शेप में ये जम जाएगा, कोन की शेप में बन जाएगा, माउंटेन बना देगा, इसको क्या बोलते हैं हम सेंट्रल टाइप वोल्केनो। फिजर टाइप वोल्केनो बेटा जैसे ही आएगा बहुत और ये क्या होगा फ्लूडिड होगा, ऐसे आके प्लान शेप में फैल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम फिजर वोल्केनो। ये बेसिक लावा से आएगा बनेगा मोस्टली, और ये एसिडिक लावा से। उसके बाद अगर हम देखें लावा वोल्केनो टाइप ऑफ वोल्केनो ऑन द बेस ऑफ करेक्टरिस्टिक लावा करेक्टरिस्टिक, तो लावा के कितने करेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताए थे दो, एक बेसिक लावा और एक एसिडिक लावा। बेसिक लावा से कौन कौन से आ रहे थे, एक फिजर वोल्केनो और एक शील्ड वोल्केनो, और कंपोजिट वोल्केनो और कॉल्डेरा वोल्केनो किससे बन रहे थे, एसिडिक लावा से। तो एसिडिक लावा और बेसिक लावा दो तरह के होते हैं जिससे वोल्केनिक एक्टिविटीज आती है, बेसिक और एसिडिक ऑन द बेस ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ लावा। उसके बाद बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एरप्शन, दो तरह के मोड होते हैं लावा के एरप्ट होने के, एक सेंटर और एक फीजर, ठीक है। और बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरप्शन, अगर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो तीन तरह के मोड होते हैं, तीन तरह से लावा एरप्ट होता है, एक जो अभी एक्टिव है, एक डोरमेंट है जो अभी शांत है, और एक एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब अभी खत्म हो चुके हैं ये दुनिया से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा एक हमारा टॉपिक है इसी में, सब टॉपिक वोल्केनिक एक्टिविटीज में, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ठीक है। ये जो वोल्केनोज आते हैं, जो हमारी क्रस्ट पे वोल्केनोज आते हैं, तो ये अलग से लैंडफॉर्म नहीं बना रहे, कोई माउंटेन बना रहे हैं, कोई प्लेटू बना रहे हैं, कोई प्लेन बना रहे हैं, तो इन्हीं लैंडफॉर्म्स को अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। अलग अलग कुछ इन लैंडफॉर्म्स को बोला गया कौन कौन से लैंडफॉर्म है, तो दो तरह से इन लैंडफॉर्म को बेटा इन्हें डिवाइड किया, किसमें, जो वोल्केनिक लैंडफॉर्म वोल्केनो आने से लैंडफॉर्म बन रहे हैं वो दो तरह के हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म, एक्सक्लूसिव इग्नेशियस रॉक, और एक होता है इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। देखिए बेटा हम रॉक्स में पढ़ेंगे, जब रॉक्स पे स्टडी करेंगे, रॉक्स की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रॉक्स होती हैं और वो कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है उनकी। तो रॉक्स में बेटा तीन तरह की रॉक्स होती हैं, एक होती है इग्नेशियस रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक, एक होती है सेडामेंट्री रॉक। जो इग्नेशियस रॉक होती है बेटा ये बनी होती है किससे, लावा से, ये लावा से बनी होती है, जो लावा एरप्ट होता है उससे बनती है ये, ठीक है। तो लावा से कौन सी राग बनेगी, इग्नेशियस राग, यहाँ पे भी लावा से इग्नेशियस राग बन रही है ये। अब ये दो तरह की रॉक्स हैं, एक एक्सट्रूसिव है और एक इंट्रूसिव राग है। देखो बेटा जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, अगर लावा यहाँ से लावा आ रहा है इस जोन से, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना ये वाली जो हमारी लिथोस्फीयर है वो मैं मोटी बना देता हूँ, ये वाली हमारी लिथोस्फीयर है बेटा, ये जो मैंने वायर वाली बनाई है, ठीक है, और यहाँ पे अंदर सारा लावा है, मैं अभी लावा को ही लेके चलता हूँ। अब इस लावा में क्या हो बेटा, अगर ये लावा बाहर आए, बिल्कुल आउटर साइड, अर्थ के बाहर आउटर साइड आ जाए, मतलब क्रस्ट के बाहर हमें दिखने लगे, ग्राउंड सरफेस के ऊपर आ जाए, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक, ठीक है। यानी कि एक्सक्लूसिव का मतलब होता है बेटा बाहर आना, दिस ये मानो दिस इज अवर लिथोस्फीयर, यानी कि हाथ को लिथोस्फीयर मानो, अगर यहाँ नीचे अर्थ के अंदर से जो वोल्केनो है लावा एरप्ट होके यहाँ ऊपर आ जाता है बिल्कुल बाहर सरफेस के बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव। अगर यहाँ पे लिथोस्फीयर भी तो है, कितनी मोटी है बेटा, कहीं से 7 किलोमीटर है मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी है 35 किलोमीटर तक, अगर उसी के बीच में लावा में इतना दम ही ना हो, इतनी उसके पास शक्ति ना हो कि वो बाहर आ पाए, और बीच में ही आके कहीं किसी होल में जम जाए, या किसी कोई एक उसको कुछ भी एरिया मिल जाए कहीं रॉक के बीच में, तो वहाँ ही अगर जम जाए रॉक के बीच में ही, जहाँ हम बोलें तो लिथोस्फीयर के अंदर ही जम जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्रस्ट लैंड पार्ट है, क्रस्ट का लिथोस्फीयर का एक पार्ट है, यानी एक प्लेट है, ठीक है, ये एक मेरे पास प्लेट है। अब यहाँ ये प्लेट किस पे तैरती है, एस्थेनोस्फीयर पे, एस्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा होता है, ये मैग्मा है मेरे पास। अब ये मैग्मा अगर बेटा यहाँ से बिल्कुल बाहर आके यहाँ जम जाए इस क्रस्ट के ऊपर या इस प्लेट के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है, एक्सट्रूसिव
इग्निशियस रॉक, अगर यहाँ पे लावा यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे बीच में ही जम गया, यहाँ पे इसको कोई होल मिल गया, तो यहाँ से आया तो यहाँ पे ही जम गया नीचे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, यानी कि अंदर। इंट्रूसिव का मतलब होता है लिथोस्फेयर के अंदर, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है लिथोस्फेयर के बाहर, आउटर साइड, ठीक है, जमना। अब ये दो राख यहाँ पे दिए, देखिए एग्जाम्पल में, ये हमारी क्या है, ये है हमारी एक लिथोस्फीयर का पार्ट, ठीक है, जहां तक लिथोस्फीयर है, और ये नीचे क्या है, ये है एस्थेनोस्फीयर, जहां आपको लावा दिख रहा है ये वाला। अब एस्थेनोस्फीयर से लावा आ रहा है बेटा, ये लावा आके यहां देखो, यहां पूरा बाहर आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। कहीं पे यहाँ पे देखो बेटा अंदर ही जम गया है, यहाँ पे भी अंदर जम गया, अंदर कैसे जमता है, कहीं पे रॉक्स होती हैं, पेरेंट मटेरियल रॉक्स होती हैं बड़ी बड़ी। अब इन रॉक्स में क्या होता है, आपने देखा होगा रॉक में बड़े बड़े होल होते हैं, ठीक है, तो वहां पे उस होल में अगर ये जम गया, जहाँ पे ये वहां पे ऑलरेडी सॉलिड हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे आके अंदर ही जम गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इन सबको इनको बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक। अब एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक के कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट नेम दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, खास करके एनडीए। तो जो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म है बेटा, इनके कुछ अलग नाम है, जैसे फ्लो है, ऊपर आता है लावा तो ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर ये चल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लो। वोल्केनिक कोन बोलते हैं, अगर एक कोन की शेप में बन जाए, ऊपर आके जम जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनिक कोन। अब देखो जो अंदर है, इनके मेनली याद रखने हैं अपने नाम, जो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है, इनके डिफरेंट नेम है। देखो जो बिल्कुल ऐसे प्लेन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फॉर्म में एक हॉरिजेंटल होल हो, बिल्कुल प्लेन अगर लिथोस्फीयर के अंदर, तो ऐसे प्लेन यानी कि लेफ्ट टू राइट, या हम बोले ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे अगर जम जाता है अंदर ही, ऐसे कुछ प्लेन लेटा हुआ प्लेन रीजन पे अगर जम जाता है, एक प्लेन की तरह बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिल। क्या बोलेंगे, सिल, याद रखना है, सिल नहीं होती, सिल मतलब एक बिल्कुल प्लेन सिल की तरह जम जाना, ठीक है, प्लेन किसी जैसे मार्बल की सिल होगी, जैसे कोई प्लेट की तरह बिल्कुल जम जाना, उसको क्या बोलते हैं हम, सिल। अगर बेटा कुछ ऐसे जम जाए, थोड़ा सा वर्टिकली, और थोड़ा सा ना तो पूरा वर्टिकली हो ना ही पूरा हॉरिजेंटल हो, कुछ ऐसे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक। क्या बोलते हैं, डाइक, इनके अलग अलग नाम है याद रखना, डाइक, यानी कि लिथोस्फीयर के अंदर अगर कुछ ऐसे जम जाए, ना पूरा हॉरिजेंटल हो और ना ही पूरा वर्टिकल हो, तो इसको बोलते हैं डाइक। अगर ऐसे जमता है बिल्कुल प्लेन इधर से इधर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिल। क्या बोलते हैं, सिल, ठीक है। ये अगर पूरा ऊपर आके ग्राउंड में कहीं पे ऐसे बिल्कुल चौड़ा जम जाता है, ठीक है, बड़ा, सिल से बड़ी हो जाती है, सिल अगर थोड़ा कम जमेगा, अगर बड़ा जम जाता है काफी एरिया में ऊपर ग्राउंड में, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, लैकोलिथ, इसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। और यही नीचे बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे नीचे हो ऐसे ही सेम बहुत ज्यादा, तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। ऐसे ही अगर इधर सेंटर में जम जाए ऐसे ही बड़ा सा, तो इसको बोलते हैं पैकोलिथ। क्या बोलते हैं, पैकोलिथ। तो याद रखना, सबसे पहले बैथोलिथ, बेस से, बेस से बैथोलिथ, याद रखो, बेस ये क्या है, बेस है ना, बेस है, तो बेस में क्या बन रहा है, बैथोलिथ, सेंटर में क्या बन रहा है, पैकोलिथ, और सबसे ऊपर लैकोलिथ। क्या बन रहा है, लैकोलिथ, ये याद रखना, ठीक है। एक ये प्लोटन होता है, प्लोटन भी कुछ ऐसे ही है, अगर ये पूरा साइड में ऐसे चोर्स में है, तो इसको हम बोलते हैं प्लोटन, ठीक है, तो ये याद रखना बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। वर्ल्ड में बेटा डिफरेंट रीजन में वोल्केनोस आते हैं, तो वो देखते हैं हम वर्ल्ड में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, या वोल्केनिक एरप्शन होता है। तो सबसे ज्यादा तीन मेन बेल्ट हैं वर्ल्ड में जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। एक तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, जहाँ हम इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ये पैसिफिक ओशन में आगे हम मैप में देखते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, एक हमारे वर्ल्ड के सेंटर में से माउंटेन बेल्ट है, जैसे हिमालय वगैरह, तो ये एक पूरी बेल्ट है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज आती हैं। उसके बाद है अफ्रीकन रिफ्ट वैली, अफ्रीका में एक रिफ्ट वैली है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज आती हैं, देखते हैं कहाँ पे है मैप, ये देखिए बेटा, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो ये है, यहाँ पे
यहां से ये रीजन दिख रहा है, ये देखो कितने, ये सब वोल्केनोज हैं, ये जितने भी कोन टाइप हैं ये सारे वोल्केनोज हैं। एक मिनट में आपको रेड पेन से यहां पे अच्छे से मार्क करके दिखाता हूं। ये देखो बेटा, ये जो ये एरिया है ये क्या है, गोल, ये एक रिंग की तरह बन रहा है, और ये कहां पे बन रहा है, पैसिफिक ओशन में। तो इसी को हम नाम देते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ, जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं, ये जो वोल्केनो है ना, अगर आप रात को बेटा जाओगे यहाँ से, इसके ऊपर से, इस ओशियन के ऊपर से आप गुजरोगे इस रिंग के ऊपर से, तो आपको ऐसे लगेगा आग लगी हुई है पूरे ओशियन, ठीक है, आग जल रही है। तो उसी से हम बोलते हैं फायर, पैसिव, एक फायर मतलब रिंग की शेप में है ये पूरा, सेमी सर्कल की शेप में है, पूरा सर्कल यहाँ से नीचे से नहीं है बट एक सर्कल की शेप लेता है, तो इसलिए हमने इसको सर्कल नाम दिया, सर्कल रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। तो पैसिफिक में एक रिंग रिंग फायर का, यानी कि आग जलती हुई आग का एक रिंग बनता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहाँ हम इसको बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये एक पैसिफिक बेल्ट भी है वैसे कुछ, ये जितने भी हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज आती है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहाँ पे आती है, ये वाला रीजन देखिए, ये जहाँ पे हमारे माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ पे हिमालय बेटा, यहाँ से इधर आओगे तो यहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और माउंटेन्स हैं यहाँ पे, एंडीज, रॉकीज और एंडीज, तो यहाँ पे जो वोल्केनोज आते हैं एक बेल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, वोल्केनिक बेल्ट। उसके बाद यहाँ पे है बेटा जो हमारी अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा वोल्केनिक एरप्शन कहाँ पे होंगे, जहाँ पे बेटा दो प्लेट्स आपस में या तो कोलाइड कर रही हैं या दूर दूर जा रही हैं, यानी कि जहाँ पे दो प्लेट का जॉइंट है। तो हमने प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ा नहीं था, एक यहाँ पे जॉइंट है बेटा जो यूरेशियन प्लेट है, ये कहाँ मूव कर रही है, इधर नीचे वाली साइड लगभग साउथ साउथ वाली साइड, ये पैसिफिक ओशियन की प्लेट थी एक पूरी, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इधर आ रही है, साउथ अमेरिकन प्लेट इधर आ रही है, ये वाली इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कुछ ऐसे ऊपर वाली तरफ जा रही है, तो यहाँ पे सभी प्लेटों के जॉइंट हैं। कितनी प्लेटों के, एक दो तीन चार पांच प्लेटों के, लगभग पांच से छह प्लेटों के यहाँ पे जॉइंट हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो कहाँ पे आ रही हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। उसके बाद यहाँ पे बेटा मैंने आपको बताया था जब हिमालय बनता है तो कौन सी दो प्लेटों से बनता है, एक इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से और ऊपर से यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे भी क्या है, जॉइंट है नहीं यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट का, तो यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता है। सबडक्शन जोन मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट पे आती है, तो इसलिए आते हैं यहाँ पे बट कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली में बेटा क्या हो रहा है कि जो हमारी अफ्रीकन प्लेट है वो आधी टूट के इधर जा रही है, आधी टूट के इधर जा रही है, तो यहाँ बीच में गैप बन रहा है, ठीक है, कुछ इस शेप की बन रही है, ये पहले एक प्लेट थी ये टूटी, अब टूट के ये ऐसी बन रही है, ठीक है, कुछ ऐसी बन गई है। तो यहाँ पे एक पार्ट इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, आप अगर अच्छे से मैप में देखोगे तो यहाँ से आपको टूटी हुई मिलेगी, और इस रीजन में नाइल रिवर के आसपास यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं और लेक्स के बीच में ही वोल्केनोज आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, पतली हो गई हमारी क्रस्ट, पतली भी हो गई और वीक भी हो गई। तो जैसे ही यहाँ वीक होगी, वीक क्यों होगी, क्योंकि दरार आ गई है यहाँ पे बीच में, तो एक वीक जोन बन गया है। अब वीक जोन बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्केनोज आएंगे ही आएंगे। अब वोल्केनोज आते हैं यहाँ पे टूट के, ये ऐसे रिफ्ट वैली बन गई है, तो वैली में पानी भरेगा तो लेक्स बन जाएंगी, यहाँ से एक नाइल रिवर भी फ्लो होता है, ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे बड़ा नदी, अफ्रीका क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, नाइल रिवर, तो वहाँ वो यहाँ से ही फ्लो करता है। तो इसलिए तीन ऐसी वर्ल्ड में बेल्ट हैं, एक रिंग ऑफ पैसिफिक, एक ये, और एक मिड वर्ल्ड ऑफ माउंटेन बेल्ट, और एक हमारी रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, ठीक है। तो ये तीन बेल्ट हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज आती हैं, याद रखें। अगर हम कंट्रीज में देखें तो बेटा सबसे ज्यादा यहाँ पे कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशिया, उसके बाद यहाँ पे जापान वगैरह के आसपास बहुत सारे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे वोल्केनोज आते हैं और अफ्रीका में बहुत सारे वोल्केनोज आते हैं। ये दो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनोज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के आसपास भी आते हैं, न्यूजीलैंड के आसपास भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो
कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हो वोल्केनिक एक्टिविटीज पे. वोल्केनोस आर द क्लोजली रिलेटेड टू द रीजंस ऑफ इंटेंस फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. बेटा फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है जहाँ पे ये दो प्लेट, अगर एक प्लेट दूसरे पे फ्लो कर रही है, सबडक्शन जोन बन गया, तो इसको हम बोलते हैं फोल्डिंग. क्या बोलते हैं? फोल्डिंग. तो यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ पे आते हैं, एक इधर आएंगे एक इधर आएंगे. फॉल्टिंग होता है अगर एक प्लेट है ये टूट गई है, तो ये प्लेट कुछ ऐसे बन गई, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगी, यानी कि यहाँ से दरार आ गई, तो इसको बोलते हैं फॉल्टिंग. फॉल्टिंग का मतलब होता है दरार. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटीज आती है. दे अकर अलोंग कोस्टल माउंटेन रेंज, जहाँ पे अगर कोस्टल रीजन है यहाँ पे और यहाँ पे माउंटेन है और इधर एक अलग प्लेट है इधर अलग प्लेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज आती है. इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट आर जनरली फ्री फ्रॉम देयर एक्टिविटीज. बेटा जितने भी कॉन्टिनेंट के अंदर पूरा एरिया है, यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये एक कॉन्टिनेंटल है, ये सेंट्रल एरिया है इसका, ये सेंट्रल एरिया है सेंटर का, यहाँ इसका सेंट्रल एरिया है, यहाँ इसका सेंट्रल एरिया है. इन सेंट्रल एरिया में नहीं, बहुत कम वोल्केनोज आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन जोन बनता ही नहीं, प्लेट पूरी है, ठीक है, पूरी प्लेट है, तो यहाँ पे कोई वीक जोन है ही नहीं. वीक जोन मैंने कहाँ बताया आपको? जहाँ पे दो प्लेट का जॉइंट हो, ठीक है. तो यहाँ पे पूरी फुल प्लेट है, वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी वोल्केनो. मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज आर फाउंड इन द पैसिफिक रीजन. कहाँ पे मिलते हैं बेटा? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो आपको मिलेंगे आज के टाइम पे. दिस इज कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है. तो बेटा आज की क्लास हमारी इतनी है, खत्म हो गई है, ठीक है. अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है. हमारी जो वोल्केनिज्म, यानी कि सडनली मूवमेंट में हमारा वोल्केनिज्म हो गया है, अब हम अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो आई होप कि सारा समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कीजिए, उसका दोबारा से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. तो थैंक यू स्टूडेंट्स.